नमस्कार, मैं कल्पिता आप सबको फिर से एक बार कल्पिता क्रिएटिव कॉर्नर में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं अच्छी हूँ। ठीक है, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक वाली पेंटिंग। ये देखिए, ये लास्ट टाइम मैंने एक शॉर्ट वीडियो में ये बनाया था, लेकिन आज इस यही कपड़ा में मैंने एक वाली पेंटिंग किया है। आप लोग वीडियो को जरूर एंड तक देखिए, और अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही सपोर्ट करते जाइए। आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का आप यार मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए फ्रेंड्स, पहले मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है। जो भी कपड़ा है मेरा, उसका सेंटर में मैंने एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद मैंने क्या किया है, ह्यूमन फिगर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ट्रायंगल बना लिया है। ऐसे देखिए, दो ट्रायंगल बना लिया है। इसमें मैंने यूज़ किया है वाइट एक्रेलिक कलर। उसके बाद मैंने इसका जो भी बाकी का बॉडी पार्ट्स है, ये बॉडी पार्ट्स को बनाने के लिए ट्राई किया है। इस पेंटिंग पे मैंने जितने भी फिगर्स बनाया है, ये सभी फिगर्स मैंने फीमेल को दिखाया है। एक फीमेल लाइफ को दिखाने के लिए मैंने थोड़ा बहुत कोशिश किया है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो वार्ली पेंटिंग है, इसमें हम लोग जनरली जो भी ज्योमेट्रिक शेप्स होता है ना, जैसे ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया, स्क्वायर्स हो गया, ये सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, ये सब शेप्स को यूज़ करते हैं। और यही शेप्स के मदद से हम लोग ह्यूमन फिगर्स को बनाने के लिए ट्राई करते हैं। ये जो वार्ली पेंटिंग है, ये पहले वार्ली एक ट्राइब होता था। ये ट्राइब जो है, ये ट्राइब ही पहले स्टार्ट किया है ये वाला पेंटिंग। और ये इन लोगों ने उनका जो भी लाइफ होता था, ये लाइफ को रिप्रेजेंट करते थे पहले। और वो लोग क्या करते थे, जो भी वॉल्स होता था, घर का जो वॉल होता है, वो वॉल में वो लोग अपना लाइफ को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, लाइफ को, लाइफ का रिलेटेड कुछ भी काम हो, वो ही वो लोग एक्सप्रेस करते थे। कहाँ पे वो लोग एक्सप्रेस करते थे, अपने अपने घर का वॉल पे। अभी हम लोग यूज़ करते हैं कोई भी वाइट कलर्स, या एक्रेलिक हो, पोस्टर कलर्स है, ये सब कलर्स यूज़ करते हैं। लेकिन उस टाइम पे जो भी ट्राइब्स लोग होते थे, उन लोग क्या करते थे, वो जो चावल होता है ना, चावल को पानी के साथ मिला के, फिर उसका गम, वो सब कुछ मिला के उसका पेस्ट रेडी करते थे। और उसी पेस्ट से उन लोग ये कलर को रेडी करते थे। आज के जैसा इतना इजी नहीं था उस टाइम, लेकिन फिर भी उन लोगों ने उनका जो भी कल्चर है, कल्चर को बहुत अच्छा से रिप्रेजेंट करने के लिए ट्राई किया है। ये देखिए, मैंने जितने भी फिगर्स दिखाया है, इस पर कोई कुछ ना कुछ काम पे बिजी है। कुछ फिगर्स को मैंने ऐसे दिखाया है कि कोई बच्चे का, अपना बच्चे का केयर कर रही है, कोई पानी लेके आ रही है, जा रही है। ठीक है, कोई किसी का मतलब सब लोग अपने अपने काम पे बिजी है। इस टाइप से एक बहुत ही बिजी लाइफ दिखाने के लिए मैंने इसमें ट्राई किया है। ठीक है, आप लोग भी ऐसा इस टाइप का पेंटिंग को ट्राई कर सकते हो, और इसमें कोई भी फिगर्स बना सकते हो। मेल फिगर्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप लोग, बच्चे का भी फिगर्स रिप्रेजेंट कर सकते हो। और इस पेंटिंग का मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि आप लोग एक ही कलर से, कोई भी एक लाइट कलर से पूरा पेंटिंग को आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, और इस टाइप का पेंटिंग को आपका, स्पेशली आपका माइंड को बहुत ही रिलैक्स फील करते हैं। अगर आप लोग इस टाइप का काम, कुछ क्रिएटिव काम करें ना, इस टाइम पे इस टाइप का कुछ भी क्रिएटिव काम करना बहुत ही ज़रूरत हो गया है। क्योंकि हमेशा तो हम लोग कुछ ना कुछ, हम लोग का सर पे नेगेटिव तो रहता ही है। जितना भी ट्राई करो हम लोग नेगेटिव थॉट्स को नहीं लाने के लिए, लेकिन उस टाइम भी हम लोगों का माइंड पे आ ही जाता है। लेकिन इस टाइप का जो भी आर्ट वर्क है, आर्ट है, ड्राइंग है, कुछ भी है, ये सब आपका माइंड को रिलैक्स फील करने के लिए बहुत ही मदद करता है। ठीक है, आप लोग भी ज़रूर इस टाइप का काम कीजिए। ये देखिए, मेरा ऑलमोस्ट फिगर सब बना के हो गया है। और मैंने क्या किया है, फाइनली एक टूथपिक ले लिया है, और टूथपिक का मदद से मैंने इसमें थोड़ा सा डिटेल करने के लिए ट्राई किया है। ये डिटेल करने से और ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर अच्छा लगा एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है कल्पिता क्रिएटिव कॉर्नर। आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते जाइए।
देखिए फ्रेंड्स, ये रहा फाइनल लुक मेरा वार्ली पेंटिंग का। आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैंने थोड़ा बहुत ट्राई किया है इसके बारे में, मुझे जो कुछ पता था आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। ठीक है, अगली बार फिर से मिलूंगी कुछ नया क्रिएटिविटी नया क्रिएशन के साथ।